हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग की टी बन रही है और बेटा को मैं ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स वगैरह काट कर दे दूँगी। ये दीपावली की सुबह है, मैं भी वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरी बेटी गीत गा रही है। डियर प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, मेरे पास समय वैसा नहीं मिलता है कि मैं एकांत में जा कर के वॉइस ओवर करूँ। और जिसको छोटे बच्चे रहते हैं उनके साथ ये सब परेशानी चलते रहती है, आप लोग सब समझते हैं। और ये आवाज़ भी सुनने में बहुत ही मधुर लगती है, इसीलिए डियर इसको इग्नोर करिएगा। आप लोग चैनल पर जो भी नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पर दीपावली के सुबह सुबह मॉर्निंग टी एक बार अच्छा से हो जाए, बच्चे को फल वगैरह दे दूँ और बच्चा स्वस्थ रहे। देखती हूँ क्या होता है, तबीयत मेरी थोड़ी गड़बड़ लग रही है। मेरी बेटी को जिस तरह पता है अभी तक लैट्रिन का समस्या है, दवाई तो बंद हो गया है, डॉक्टर ने कहा चिंता मत करिए। आपकी दीपावली और अभी समय शाम के 3 बज रहे हैं, कुछ विशेष नहीं करना है इसलिए आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई सुबह का जो दिखाया। उसके बाद फिर तो लगातार मेरी बेटी को जो लैट्रिन होना शुरू हुआ, लगातार होने लगा, परेशान हो गई। उसके बाद मेरा बेटा होमवर्क कर रहा था, उसको भी उल्टी होना शुरू हो गया। पता नहीं भगवान की क्या कृपा है, लेकिन कुछ करना नहीं है विशेष पूजा पाठ। लेकिन जो लेकर आई हूँ भगवान का तो मैं पूजा करूँगी, क्योंकि बिना पूजा किए मन नहीं लगता है। तो बहुत सुबह से काम था, मोबाइल नहीं उठा पाई। ये देखने पूरा पाऊँगी, बच्चे भी बीमार हैं और इस बार क्यों नहीं होगा दीपावली, ये तो आप लोगों को पता है जो पुराने सब्सक्राइबर हैं। लेकिन जो कुछ भी करूँगी, सोचा था एकदम सवेरे खाना बनाऊँगी, लेकिन नहीं हो पाया। मैं खुद सो गई बच्चे को सुलाने के चक्कर में। एकदम सवेरे उठी, हेयर स्टाइल किया, सोचा साड़ी पहन लेती हूँ अभी, फिर सोचा अच्छा शाम में पहनेंगे, थोड़ा पूजा करके सामने सजा वजा लेते हैं। इसके बाद तो बच्चे को लेटिंग शुरू हो गई, नेल पेंट वगैरह थोड़ा लगाया और बाल बाल बांधा। उसके बाद खाना भी नहीं खाई हूँ, 3 बज गया है, ये भी ऑफिस से आ ही जाएंगे, लेट से गए थे। तो तब तक मैं खाना खा लेती हूँ। मैं देख रही हूँ बार बार कि ये तो नहीं आ रहे हैं, ये आ जाएंगे तब खाना बना खा के तब थोड़ा डेकोरेट करते हैं। पूजा का घर भर ही करना है, ज़्यादा नहीं करूँगी, ये आप लोगों को पता है। देवर का फ़ोन आया तो बोले भाभी कुछ लेना भी था धनतेरस को, उस दिन बात नहीं हो पाई। तो उन्होंने कहा हाँ ले लेना चाहिए था, बोले नहीं, कोई कोई बोला नहीं ले सकते, बोले नहीं लेने में कोई दिक्कत नहीं था, ले लेते हैं। लेकिन वो लिए नहीं, मैंने सोचा लाठी वगैरह भी पहनूँगा, अभी कुछ नहीं पहना है, बेटा बेटी सोया है। तो दोनों को नहलाया, रेडी किया, बहुत मुश्किल होता है यार। और बच्चा वाले का काम, बच्चा जिसको छोटा रहता है उसका काम समय पर हो पाना बहुत मुश्किल होता है। चलिए अब आगे के कामों में लगते हैं। सारा बेडशीट वगैरह तो मैंने धो कर डाल दिया और सारा चादर वगैरह मुझे धोना ही पड़ा, क्योंकि लैट्रिन का सिलसिला बिल्कुल जारी है, बंद हुआ ही नहीं है डियर। तो अब तो शॉर्ट में ही मुझे सब कुछ करना होगा, लेकिन मैं पूजा बहुत ही अच्छे से करूँगी, बहुत ही अच्छे से करूँगी, क्योंकि मुझे पूजा पाठ करने में बहुत मन लगता है जैसा कि आप लोग जानते हैं। और आज ये सवेरे आ जाएंगे। तो अभी लगभग 6 बज रहा है, 6:05 हो रहा है। मेरी बेटी को मैंने सुलाया था लेकिन ये उठ गई है, पिलो में अभी कवर करना है। अभी मेरे बेटा ने खोला है और खीर मैंने बना लिया है और पूजा का सारा चीज़ समेट लिया। अब मैं जाऊंगी ड्रेस पहनने, मतलब साड़ी पहन लूँगी ढंग से। इधर भी मैंने ये पूरा क्लीन वगैरह कर दिया है, तो मैं दिखा देती हूँ पूजा का क्या क्या डेकोरेट की, ये देखेंगे। अभी तो इसी तरह से है ये, यहाँ पे तो अभी चुनरी माला वगैरह लगाऊंगी। अब देखूंगी ये कितना चुन्नी लाए हैं, कितना बड़ा छोटा है, क्या है ये फूल का माला, केला का पत्ता। और इस प्लेट में जो है हल्दी है, गेहूं का आटा है, धनिया है, हल्दी है, हल्दी पाउडर भी है, हल्दी जीरा वाला भी है, रोली भी है। मेरी बेटी रो रही है। ये दीपक मैंने धो के रख दिया है, ये तिल का तेल है, ये सारा नैवेद्य भोग वगैरह है सब कुछ। तो यहाँ पर सारा सब कुछ अभी पूजा का बर्तन वगैरह धोना है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। हेलो हेलो डियर, आप लोग ये पूजा की तैयारी में लग गए होंगे और आप लोगों में से जो जैसा जिन्होंने किया था मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोगों ने क्या कुछ बनाया था, किन किन को छोटा बच्चा है मेरे ही तरह। और अभी मेरा बेटा जो है अपना सारा टॉयज मैंने उसका एक थैले में डाल दिया है, तो वो बोला कि जब तक तुम पूजा करोगी मैं थैला से खिलौना निकाल कर खेलूँ। मैंने कहा हाँ। मेरे हस्बैंड 2:30 बजे ही ऑफिस से आ गए थे, खाना पीना खा लिया, उसके बाद
जो इसका था सिलसिला लैट्रिन का एकदम बिल्कुल शुरू था, तो ये मार्केट चले गए क्योंकि बहुत कुछ ऐसे पीला कपड़ा, और मैंने इनको कहा था वो जो होता है उस गुल्लक और कुबेर जी का कहा जाता है कि आज पूजा होना चाहिए, तो मैंने कहा था ना कि कुछ सामान मैंने नहीं लिया था, तो मुझे लगा था मैं चली जाऊंगी दीपावली के दिन या दीपावली के एक दिन पहले, लेकिन नहीं डियर, दीपावली के दिन जाना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। आपको किचन भी देखना है, पूजा का घर भी, और पूजा मुझे ही करने में अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड तो भी करते नहीं, और खाना बनाना, फिर हर जगह साफ़ सफाई रखना, तो नहीं जा पाई मैं। तो मैंने इनको कहा कि आप चुन्नी वगैरह ले लीजिएगा, फिर मैंने कहा आप छोड़ दीजिए क्योंकि हर तस्वीर की साइज़ अलग अलग है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं आज ही चढ़े, अब मैं किसी दिन जाऊँगी तो वहाँ लेते आऊंगी। बाकी कुछ माला वगैरह है जो कि मैंने धो कर ले लिया है, बाकी ये बहुत सारा चुन्नी लाए हैं लेकिन वही सब अलग अलग साइज का है। ये चुन्नी कह के लाए थे लेकिन ये आसनी है और बहुत ही प्यारा आसनी है। तो पीला कपड़ा पे आज गणेश लक्ष्मी को बैठाया जाता है, तभी तो यहाँ पर मैं आसनी मैंने लगा दिया पीला कपड़ा पर, और इनको ये दोबारा गए तो ये मैंने कहा अगर आपको कुबेर जी मिले तो आप लेते आइएगा। और क्या बताऊँ डियर, मैं आपको अगर इस वीडियो में नहीं दिखा पाई तो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। इतना सुंदर इनको कुबेर जी मिला, इतना अच्छा, बस नारियल ख़रीदा हुआ दुकान में छूट गया तो मैंने कहा भी नहीं दोबारा लाने के लिए, क्योंकि एक ऑफिस जाना फिर छोटा बड़ा हर सामान लाना बहुत मुश्किल वाली बात होती है, और बाबू को भी पकड़ना, क्योंकि ये देखें मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा मैं खाना भी बना लूँगी बस खाली थोड़ा सा आप मुझे आराम से पूजा करने दीजिएगा, क्योंकि कहीं भी कोई नया चीज़ आता है जैसे शंख घंटी ये सब मैंने लाया था, तो सिर्फ लाने से नहीं होता है, एक एक तस्वीर को मैंने चमकाया था। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा केला के पत्ता पर मैंने ये कौड़ी जो होता है चित्ती कौड़ी और एक होता है चक्री कौड़ी वो सब मैंने रख दिया है। कुबेर जी महाराज को बहुत साफ़ किया मैंने नींबू वगैरह से, अच्छे से चाप साफ करके चमका लिया। उसके बाद अब इनका पूजा करूँगी, इनको जनेऊ पहनाऊँगी, गणेश जी को पीला वस्त्र जनेऊ पहनाऊँगी। अगर आप लोग के पास पीला कपड़ा नहीं हो तो आप मौली भी पहना सकते हैं, ऐसा पंडित जी ने मुझे बताया था। गुल्लक का पूजा किया जाता है, मिठाई और बतासा तो चढ़ाना ही चाहिए। जल की शुद्धि मैंने कर ली थी, जैसे गंगा चौ, यमुना चौ, सरस्वती चौ, गोदावरी चौ, नर्मदा चौ, इस तरह बोल के किया जाता है। और बहुत सारा मैंने अगरबत्ती धूप वगैरह जलाया था, मेरी बेटी सोई थी लेकिन जब वो उठ गई तो मैंने उसको फीडिंग कराया, फिर ये बोले अच्छा तुम करो, ये देख लिए कि ये पूजा करना चाह रही है और बार बार बच्चे को लेकर परेशान हो रही है, फिर बोले अच्छा चलो अब मेरा तो कोई काम नहीं है, मैंने सब कुछ ला दिया, अभी रेडी नहीं होऊंगा, तुम आराम से पहले पूजा कर लो, फिर मैं और बाबू कुर्ता पजामा पहनूंगा। तो ये बाबू को लेकर सोफा पे बैठ गए और टीवी देख रहे हैं, किचन में भी सारा काम हो गया, मैंने टमाटर वगैरह सब काट के रख लिया, आज तो लहसुन प्याज देना नहीं है। तो अरे देखिए मेरी बेटी का किलकारी सुनिए, बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ पर इतना देर से मैंने पूजा किया था, आप लोगों को तो बस 15 मिनट में दिखा रही हूँ, लेकिन एक एक तस्वीर में मैंने कुमकुम लगाया, तिलक लगाया और हल्दी दूब और केला का पत्ता पे सब कुछ किया था। ये सारा देखते हैं, इतना सारा ये फूल और फूल का माला लेते आए थे कि पूजा करने में इतना मन लग रहा था कि जिसका जवाब नहीं है, बहुत ही अच्छा लग रहा था पूजा करने में। और वो जो खिड़की पर सामने में आप देख रहे हैं वो मैंने रखा हुआ है धूपौड़ी वगैरह, जो कि पूजा के बाद जलाऊंगी, लेकिन ये मना कर दिए, बोले मत जलाना बाबू को आँख में धुआं लगेगा। पहले तो गणेश लक्ष्मी को निकाल के अच्छे से जो है आसनी पे उन लोगों को बिठाया, आसनी पहले पीला कपड़ा ऊपर से उस पर आसनी रखा। आप कलश भी रख सकते हैं, कलश में नारियल रख सकते हैं, नारियल पे 5 बार सिंदूर लगा के आप रख सकते हैं। पीला आसनी पीला कपड़ा पे आसनी लगाया, गणेश लक्ष्मी को बैठाया, गणेश जी के दाएं तरफ लक्ष्मी माँ को, लक्ष्मी माँ को फिर चुन्नी ओढ़ाया, गणेश जी को पीला वस्त्र पहनाया, लक्ष्मी माता को भी मैंने पहनाया और फिर गणेश जी को जनेऊ पहनाया। कुबेर जी महाराज को नीचे में दाएं तरफ प्लेट में रखा, कच्छप को भी वहीं पे रखा, केला के पत्ता पर 5 कौड़ी दोनों तरह का कौड़ी रखा, फिर जल चंदन अक्षत धूप दीप नैवेद्य से मैंने सब कुछ पूजा किया। और फाइनली इस तरह से पूजा करने का देगा, खंड जी दीप शाम के समय से ही मैंने जलाया था, धनिया वगैरह सब कुछ का पूजा करने का रखने के बाद सामने में पहले मैंने सोचा स्वास्तिक बना लूँ भगवान जी के आगे, स्वास्तिक पहले बनाया और उसके बाद मैंने बाहर में बनाया।
मेरे हस्बैंड ने कहा भगवान के आगे बना ही रही हो, बाहर में भी थोड़ा सा बना लो हल्के ही ढंग से। मैंने बिल्कुल डियर हल्के ही तरीके से बनाया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और बगल में इस तरह से ये लोग उससे बनाए हैं जो आता है सेपर, आता है रंगोली सेपर, तो इन लोगों ने उनसे बना उससे बनाया। मैंने हाथ से ही जल्दी जल्दी बनाया, लेकिन वाकई सुंदर बनाया है। तो इस तरह से पूजा पाठ हो गया, भगवान जी के आगे में 13 दीप जलाया। 13 दीप जलाने का तुलसी भगवान के सामने भी रंगोली बनाया, वहाँ भी दीपक जलाया। और पूजा पाठ होने के बाद ये अभी मैं थोड़ा सा आपको बाहर बालकनी से बाहर का लुक दिखाती हूँ। और बहुत ही अच्छा मन लग रहा है डियर। कुछ लड्डू विष्णु भगवान में रखा है 5 लड्डू, तो यहाँ पर पहले भगवान के आगे ही रंगोली बनाना चाहिए। और भगवान के आगे रंगोली अगर आप बनाएं तो सिर्फ गेहूं के आटा और हल्दी का बनाना चाहिए। तो मैंने बाहर का शायद क्लिप कट हो गया है। अब यहाँ पर मैं आरती की तैयारी करूँगी, क्योंकि बीच बीच में बाबू को फिटिंग भी कराना पड़ता था। और यहाँ पर ये अपना रेडी हो गए, बाबू को रेडी कर दिए। अब मुझे छुटकी को रेडी करना है, मेरी बेटी को। यहाँ पर मैंने इनको तिलक लगा दिया, इसको देखिए मेरे बेटा को, और अब मैं इनको भी तिलक लगा दूँगी। ये रेडी हो रहे हैं, तो अब मैं इनको तिलक लगा के आती हूँ। फिर सब मिलकर यहाँ पर आरती करेंगे। और मेरा बेटा कुछ कह रहा है आप लोगों से, लेकिन इसीलिए म्यूट किया हुआ है क्योंकि लक्ष्मी जी की आरती चला लिया है हम लोगों ने मोबाइल में, ब्लूटूथ ऑन कर दिया है, तो कॉपीराइट आ जाएगा। इसीलिए बेटा का आवाज़ भी नहीं आ पाया, लेकिन मेरा बेटा बहुत अच्छा बात बोल रहा था कि मेरी माँ बहुत मेहनत करती है, दिन भर काम करती है। और आप लोगों को डियर 10-15 मिनट में दिखाती हूँ, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं लगता होगा, या फिर जो ब्लॉगर होंगी या जो जिनको इतना करना पड़ता होगा वो सब समझती होंगी कि मैंने कितना कुछ किया है एक एक चीज़ को करके। और पूजा का जब समय आया तो उसके पहले ही मैंने, क्योंकि मैं किससे मांगूंगी, मुझे कौन देंगे किचन से या अगल बगल से छोटा छोटा चीज़ लाकर, यही सब करने में इतना समय लग जाता है, सारा चीज़ नीचे पोछ कर। जबकि 2 बार आज मैंने पोछा किया था, बार बार चादर वगैरह भी धोना पड़ा था, दोबारा स्नान किया था। स्नान की तो बेटी को सर्दी हो गया, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी पान वान लिए, लेकिन ये बोले तुम इतना अच्छा पूजा घर के सामने में माहौल बनाई हो। मैं पूजा तो नहीं करूँगा, लेकिन 5 मिनट बैठूँगा जरूर। तो ये बैठे थे बेटा को लेकर, मैं बेटी को लेकर गोद में एक दो काम इधर उधर कर रही थी। पूजा वगैरह होने के बाद प्रसाद वरसाद खाने के बाद अब मेरा बेटा बोला तुम भी चलो, तब मैं पटाखा छोड़ूंगा। बच्चे को होता है ना, माँ भी रहे साथ में, तो अब ये पटाखा वगैरह निकाल के ले जा रहे हैं। बोले कुछ नीचे छोड़ लो, कुछ ऊपर पे पटाखे फोड़ लो, और ये भी फोड़ेंगे, और मतलब पॉकेट में लाएँ, लेकिन अगर इसको एक साथ दे दिया जाएगा तो ये एकदम पूरा एक साथ में देगा, पूरा ख़त्म करके। बच्चे के साथ बहुत बुद्धि से चलना पड़ता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पूरे पीछे से तुम लेके आना। और ये देखेंगे छत से पटाखे जलाकर ये आ गए हैं। कुछ पटाखे छत पर छोड़ा गया, अब ये नीचे, ये लोग नीचे जा रहे हैं। बच्चे का मन होता है भाई, कभी नीचे फोड़ना है कभी ऊपर फोड़ना है, तो मैं भी नीचे जा रही थी, मुझे नीचे जाने नहीं दिए, बोले नहीं तुम नहीं जाओगे। उसके बाद फिर बोला अगर माँ नहीं जाएगी तो मैं फिर से छत पे आके फोड़ूंगा, फिर माँ फोड़ेगी। इसका मन एकदम छोटा हो गया, फिर से नीचे फोड़ने का, दोबारा छत तो परेशान ये कर देता है, ये तो कभी कभी बहुत गुस्सा करते हैं। और इस तरह से पटाखा वटाखा फोड़ने के बाद अब हम लोग चलेंगे खाना पीना में। अभी लगभग 9:30, और अब ये आएंगे, ये छत पे लेके इसको चले गए हैं पटाखा छुड़ाने। नीचे भी मैं भी नीचे जा रही थी, लेकिन ये मना कर दिए, इसको लेके मत जाओ, इसकी तबीयत ख़राब है। तो इसका भी ड्रेस खोलूँगी नया, नया पहनी है, इसको गर्मी लग रहा है। और मैं भी कपड़ा चेंज करूँगी, खीर बन गया है, अब पनीर की सब्ज़ी नहीं बनी है, बनाऊँगी, पूड़ी बनाऊँगी, खाना पीना खाऊँगी। और बहुत ही अच्छा मेरा मंदिर लग रहा है, अभी भी दिए जल रहे हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने आज पूजा किया है। तो आप सबको एक बार फिर से हैप्पी दीपावली, आप लोगों ने भी उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से मनाया होगा। और बाहर से तो रोशनी बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत परेशानी के बावजूद भी मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ किया डियर, बहुत ही अच्छे से, इतनी परेशानी के बावजूद भी। तो बाय 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 डियर, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलूँगी मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, बने रहिएगा इस चैनल के साथ, बाय बाय। तो डियर चलिए, माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा आप लोगों पर बनी रहे, आप लोगों के घर में भी कुबेर की भंडार हो, लक्ष्मी माँ की कृपा हो। तो जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपना कमेंट शेयर करिएगा। बाय बाय डियर, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में।